हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आइए आज एमपीपीएससी मेंस के पेपर सेकंड में जो एक यूनिट है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, ये 30 नंबर का आएगा समाजशास्त्र सेकंड पेपर में। तो इसका एक टॉपिक है, सब टॉपिक है सामाजिक समरसता। तो आइए देखते हैं किसमें कैसे क्या क्या पढ़ेंगे सामाजिक समरसता में। तो सबसे पहले सामाजिक समरसता की डेफिनेशन देखेंगे कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ये आपसे सामाजिक समरसता ये टर्म आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है। इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 11 मार्कर भी आ सकता है। तो आइए तीनों के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 3 नंबर में सिर्फ सामाजिक समरसता पूछ सकता है डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं, जैसे डेफिनेशन में क्या देखेंगे, जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता रहित समाज, मतलब ऐसा समाज जहां भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों एवं वर्गों के मध्य आपसी प्रेम सौहार्द एकता स्थापित हो, सामाजिक समरसता कहलाता है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि धार्मिक जाति निर्जाति पूर्वाग्रह विभेद समाप्त हो, समाज में सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए सामाजिक समरसता आवश्यक है। अब इसके घटक देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सामाजिक समरसता के, जो बढ़ाते हैं सामाजिक समरसता में, जो सहायक है सामाजिक समरसता लाने में। तो शिक्षा है, शिक्षा सामाजिक समरसता लाती है, सिविल सोसाइटी नागरिक समाज है ना, परिवार बंधुत्व की भावना ये भी सामाजिक समरसता लाती है, आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है समाज में विभिन्न संस्कृतियों में ये भी सामाजिक समरसता लाता है, समूह चेतना सामाजिक हित बहुसंस्कृतिवाद सह अस्तित्व और संविधान, संविधान की प्रस्तावना में भी है, और नीतिक निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में भी समरसता का उल्लेख है। ठीक है, तो ये सारे तत्व हैं, घटक हैं जो सामाजिक समरसता लाने में सहायक हैं। अब इसमें एक टर्म देख लेते हैं, बहुसंस्कृतिवाद क्या है। समाज की विभिन्न संस्कृतियों संस्कृति का एक साथ जीवन निर्वाह करना, जब अलग अलग कई सारी संस्कृति एक साथ रहती हैं जीवन निर्वाह करती हैं तो इसे बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। ठीक है, सह अस्तित्व क्या है, ये भी इसी से मिलता जुलता है कि सभी धर्म जाति के लोगों का एक साथ रहना जीवन निर्वाह करना सह अस्तित्व कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे उद्देश्य या विशेषताएं क्या है, समरसता से क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है समरसता, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सामाजिक एकता की स्थापना करने के लिए समरसता आवश्यक है। ठीक है, धार्मिक जातीय भेदभाव कम होता है समरसता से, समता मूलक समाज की स्थापना लाने में सहायक है समरसता, समरसता से मानव अधिकारों की रक्षा होती है। ठीक है, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होता है, सामाजिक समरसता रहती है, आपसी प्रेम भाईचारा रहता है, अन्य जाति धर्म के प्रति सम्मान रहता है कि अपने धर्म को भी मानना है और दूसरे के धर्म के प्रति भी प्रेम भाव रखना है, निंदा नहीं करनी है, सरकार के कल्याणकारी कार्यों को सुनिश्चित, सरकार जो अपनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो पाता है, क्योंकि फिर कोई भी जाति विभेद या दंगे वगैरह नहीं होते हैं, सामाजिक समरसता रहती है तो योजनाओं का बहुत अच्छे से विरोध नहीं होता है, योजनाओं का तो बहुत अच्छे से योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाता है। ठीक है, सतत धारणीय विकास की संकल्पना की स्थापना हो पाती है, देश की एकता अखंडता बनी रहती है, सामाजिक समरसता रहती है, प्रगतिशील समाज की स्थापना में सहायक है सामाजिक समरसता। ठीक है, तो इस तरह ये 9 विशेषताएं इसकी आप लिख सकते हो, ऐसे समरसता की विशेषताएं भी पूछा जा सकता है, तो ये मैंने बता दी। अब इसके बाद देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है समरसता लाने में। ठीक है, चैलेंजेस देखेंगे। पहला चैलेंज है कि
धर्म आधारित राजनीति, इससे धार्मिक विभाजन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जाति आधारित राजनीति, जाति संरचना को वैधता मिलती है। मॉब लिंचिंग, इससे सामाजिक समरसता में कमी आती है। धार्मिक जाति विभेद के कारण पूर्वाग्रह आधारित निर्णय, ठीक है। पूर्वाग्रह मतलब पहले से किसी धर्म के बारे में आप जानते नहीं और उसके बारे में पूर्व धारणा बना लेना, कुछ भी मतलब पूर्व जो पूर्वाग्रह होते हैं वो हमेशा नकारात्मक होते हैं, ठीक है। हम किसी के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह करते हैं तो कुछ भी अपने आप से ही सोच बना लेते हैं, बिना उसको अच्छे से जाने समझे उसके बारे में कुछ भी सोच बना लेते हैं, इसको पूर्वाग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये नकारात्मक होते हैं हमेशा। धार्मिक प्रमुखों की नकारात्मक भूमिका होती है, कभी कभी ये लोग धर्म विशेष के जो धार्मिक प्रमुख रहते हैं, अन्य अपने धर्म को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन अन्य धर्मों को मतलब ऐसे भड़काऊ भाषण देना, ये सब कुछ करना। अशिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक समरसता में। भूखमरी, गरीबी, क्षेत्रवाद हो गया, पृथक राज्य की मांग हो गई, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बोडोलैंड है, इधर महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग है। दंगे, संप्रदायवाद, आतंकवाद, लैंगिक भेद, ये सारी समरसता में चैलेंजेस है समरसता को लाने में। आर्थिक विषमता, जितनी ज्यादा गरीबी होगी और आर्थिक असमानता नहीं रहेगी, मतलब आर्थिक असमानता रहेगी उतने ही ज्यादा सामाजिक समरसता में कमी आएगी। भाषावाद हो गया, पितृसत्तात्मकता, असहिष्णुता, रूढ़िवादिता, तो ये सारी चुनौतियां हैं। अगर ये सारे ना हो तो समरसता बनी रहेगी किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में। ये सारी चीजें हैं जो समरसता को कम करती है, समरसता को घटाती है। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि समरसता बनी रहे, सुख शांति, भाईचारा, आपसी प्रेम समाज में हर जगह, तो इसके लिए प्रयास क्या किए गए हैं। 6 दिसंबर को सामाजिक समरसता दिवस मनाया जाता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सामाजिक विधान जैसे SC/ST एक्ट है 1989 वाला, वो सामाजिक समरसता लाने में सहायक है, उनको अधिकार देता है, बहुत सारे उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको सुरक्षा प्रदान करता है भेदभाव से। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंतर जातीय विवाह जो है ये समरसता लाने में सहायक है, मतलब अंतर जाति विवाह होंगे तो भिन्न भिन्न जाति के लोग आपस में मिलेंगे, उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पूर्वाग्रह दूर होंगे उनके। ग्राम उदय से भारत उदय, 31 अक्टूबर को एकता दिवस, ठीक है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में समानता, न्याय, बंधुत्व, एकता का जो लक्ष्य है। आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 29-30 है अल्पसंख्यकों के अधिकार है। तो इस तरह से इन सारी, ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रावधान है, ये सामाजिक समरसता को बढ़ाते हैं और सामाजिक समरसता को लाने में सहायक है, ठीक है। तो हमने कई सारी चीजें देख ली, डेफिनेशन देख ली, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है ये देख लिया है, समरसता के घटक या तत्व देख लिए हैं, समरसता की 9-10 विशेषताएं देख ली हैं, चैलेंजेस देख लिए हैं 12, बढ़ाने के प्रयास इतने सारे देख लिए हैं 10। तो इस तरह से सामाजिक समरसता कंप्लीट होता है। अगर सामाजिक समरसता 11 मार्कर में बस पूछे तो आप ऐसे भी डिवाइड करके भी लिख सकते हो कि जो मूल घटक हैं क्या है सामाजिक समरसता के, जैसे कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, सहिष्णुता है, बंधुत्व है, आत्मीयता, सर्वहित, निर्भरता। जब किसी इंसान जब किसी पर निर्भर होता है, कोई जाति, समाज या व्यक्ति किसी पर निर्भर होता है तो सामाजिक समरसता बनी रहती है, ठीक है। सर्वहित है मतलब सबका हित सोचना, समन्वय, समूह की चेतना, बहुसंस्कृतिवाद जो पीछे बताया था ये टर्म, ठीक है। इसके परंपरागत तत्व हैं जैसे
धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान पर्व, जो धार्मिक त्योहार होते हैं, ये सामाजिक समरसता लाने में सहायक होते हैं। जैसे होली, दिवाली है ना, ईद हो गया मुस्लिम्स का, और ऐसे सभी धर्मों के जो त्योहार होते हैं ये सामाजिक समरसता लाते हैं आपस में। और धार्मिक ग्रंथ हो गए जैसे वेद पुराण, कुरान, बाइबल, संयुक्त परिवार सामाजिक समरसता लाने में सहायक होता है, ठीक है। संस्कार हो गए, जो 16 संस्कार हैं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, फिर आधुनिक रूप में क्या, संविधान, संविधान में प्रस्तावना में डीपीएसपी, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व है, एफआर फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार। सामाजिक जो विधान बनाए गए हैं, दहेज प्रथा और सती प्रथा अधिनियम है, विधवा विवाह अधिनियम है, ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये सब सामाजिक समरसता लाने में सहायक है। सरकार, मीडिया, नागरिक समाज और शिक्षा, तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सामाजिक समरसता के बारे में। और इसके बाद सोशियोलॉजी के लिए कौन सी बुक अच्छी है, ये क्या पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने, इसका वीडियो भी नेक्स्ट बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर, प्लीज शेयर जरूर कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है आप लोगों को। ओके, बाय।